नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबकी जो परीक्षाएं हैं फर्स्ट ईयर वालों की सकुशल चल रही होंगी, और जो सेकंड ईयर वालों की एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी दोस्तों सकुशल सबसे बढ़िया आपने उनमें अपनी जो प्रस्तुति है वो सबसे बढ़िया दी होगी। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ कि किस प्रकार से आपके पेपर्स रहे हैं, और जो फर्स्ट ईयर वालों के आने वाले पेपर्स हैं उनकी तैयारी आप किस प्रकार से कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे मेन जो परीक्षा के बाद अब आपके ऊपर खतरा आने वाला है डायरियों का, क्योंकि दोस्तों एडमिट कार्ड में आप नीचे वहाँ पे देखेंगे तो 28 से लेकर के 6 अक्टूबर तक आपको वहाँ पे डेट मेंशन करी गई है। हो सकता है भविष्य में ये डेट आगे बढ़ाई जाए, पर अभी हमें 28/6 का जो अंतराल है वही लेकर के चलना है, और उसी के अनुसार अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लेनी है। दोस्तों डायरियों की जो बात है हम प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों से शुरू करते हैं, पहले फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की हम बात करते हैं। तो 5 टॉपिक्स आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला है सर्वे प्रोजेक्ट केस स्टडी, जिसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में आपको पूरा विवरण करना है, उसकी बारीकी से उसकी केस स्टडी करनी है, और उसका पूरा विवरण जो है आपको इस डायरी में देना है। दूसरी डायरी आ जाती है आपकी क्रियात्मक अनुसंधान की, जिसमें आपको जो विद्यार्थियों में किस प्रकार से आपने सुधार लाया, क्या क्या उनमें मिस्टेक्स थी, क्या क्या आपने उनमें सुधार किया, तो वो सब वर्णन आपको इसमें करना है। तीसरी बात आ जाती है मननशील रिपोर्ट की डायरी। तो मननशील रिपोर्ट में दोस्तों पूर्व कल्पनाएं होती है विद्यालय के बारे में, बच्चों के बारे में, सब कुछ कि आपने पहले क्या सोचा था विद्यालय के बारे में, और आपने वहाँ जाने पर क्या क्या विद्यालय में पाया, तो वो सब विवरण हम मननशील रिपोर्ट में करेंगे। चौथा जो डायरी है, चौथी डायरी पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, जिसमें एक जो विषय वस्तु है एक विषय के बारे में पूरा विवरण करना है, जिसमें एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के उसके जो लेखक हैं उन सब के बारे में, और जो उसमें क्या क्या विषय वस्तु रही है, क्या क्या टॉपिक्स पर बात हुई है, तो सारी बात हम इस चौथे डायरी है जो पाठ्यपुस्तक विश्लेषण इसमें करेंगे। पांचवें नंबर पर है प्रोफाइल की डायरी। तो प्रोफाइल में हम देखते हैं विद्यालय के बारे में, विद्यालय की जो जानकारी है, विद्यालय में कितने कक्षा कक्ष हैं, कितने अध्यापक हैं, और प्रत्येक कक्षा कक्ष में कितने विद्यार्थी हैं, कौन सी क्लास तक विद्यालय है, तो सारी जानकारी हम प्रोफाइल में वहाँ पे ऐड करते हैं। तो 5 डायरियाँ आपके होंगी, 10 10 से 12 पेजेस की छोटी छोटी डायरियाँ। 5 के साथ दोस्तों एक डायरी आपकी होगी इंटर्नशिप डायरी, जिसमें लेसन प्लान आपका होगा 24 दिन का। फिर प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका 24 दिन का प्लान होता है लेसन प्लान। तो 24 दिन की जो एंट्री हो उसमें होगी कि प्रतिदिन आपने विद्यालय में जो टाइम पर आए या नहीं आए, कितने बजे आए, कितने बजे गए, क्या क्या आपने किया, किस प्रकार से विद्यार्थियों को सिखाया, सिखाने में आपने क्या क्या जो सामान है शिक्षण के, जैसे चौक, डस्टर वगैरह, ब्लैक बोर्ड, तो उन सबको आपने कितना यूज लिया, बच्चों में क्या क्या अवगुण आपको दिखे, कि कितना आपने उसमें सुधार किया, तो सारा कुछ उस डायरी में ऐड होता है। तो ये जो प्लान है 6 प्रकार की डायरियाँ जो हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए हैं। तो इनमें दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट थे कि उनको कॉलेज से कोई भी डायरी नहीं मिली है, उनको खुद से कहा गया है कि आपको डायरी बनाई जाएगी, है ना, डायरी बना ली है, मार्केट से रजिस्टर लगा के वैसे बनाना है। तो अगर आपके पास भी दोस्तों ये सब डायरियाँ हैं तो ठीक है, अगर एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है इनके अलावा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इनमें से कुछ कम है तो भी आप कमेंट जरूर करें, फिर उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। तो पहले दोस्तों ये आपके पास ऑफिशियली होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो आप यहाँ पे पूरा जो लेसन प्लान आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे 8 टॉपिक्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप सेकेंड ईयर वालों में जो है 5 टॉपिक्स तो ये फर्स्ट ईयर के होते ही होते हैं, और इसके साथ में वार्षिक पाठ योजना की 2 डायरियाँ होती है वही 10 से 12 पेजेस की, और कक्षा अवलोकन की 2 डायरियाँ होती है वही 10 से 12 पेजेस की होती है ये भी, और समालोचना पाठ योजना की 5 से 6 डायरियाँ आपकी होंगी, जिनमें प्रत्येक विषय के जो बारे में आपको ऐड करना है कि क्या क्या विषय वस्तु उसमें रही है, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण के जैसा ही है। सही है, ये सारी डायरियाँ हैं, और इनके साथ में आपको एक 96 दिन का जो लेसन प्लान है सेकेंड ईयर का वो डायरी आपके पास होगी, जैसा जैसी फर्स्ट ईयर में डायरी थी वैसी ही सेम टू सेम आपको 96 दिन की डायरी वहाँ पर मिलेगी, और उसके साथ एक मोटी डायरी मिलेगी दैनिक पाठ योजना की, जिसमें दैनिक पाठ योजना में करना है कि विद्यालय में क्या क्या आपने देखने को मिला, विद्यालय में क्या क्या अवगुण थे, वो सब जानकारियाँ उसमें देंगी। जैसे जैसे हम एक एक डायरी पर चलेंगे उसमें आपको डिटेल वाइज हम बताते चलेंगे कि इस प्रकार से इनमें जो है कार्य करना है। सारी जो डायरियों की वीडियोज़ हैं दोस्तों हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से अपलोड होंगे जल्दी ही। अब कुछ स्टूडेंट दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं तो उनमें देख रहे हैं, तो उनमें दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स ने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को एक जगह कॉम्बिनेशन में उनको बता दिया है, तो उनमें काफ़ी डिफिकल्टीज उनमें आ रही है समझने के लिए, और जो पुराने वीडियोज़ हैं तो उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और कुछ यूट्यूबर्स दोस्तों
पैसे देने के लिए बोल रहे हैं कि आप इतने पैसे दो तब हम आपको नोट्स उसके दे देंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको सारे वीडियोज़ जो हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग और सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग से आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें।